हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल पे देखा कि आज हम PICT कॉलेज के बारे में रिव्यू करेंगे। तो भाई पहले PICT का फुल फॉर्म बता दें कि आपको PICT का फुल फॉर्म क्या है। पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ये आपका कॉलेज पुणे में आया है, ठीक है। तो इस कॉलेज का आज हम रिव्यू करेंगे। आपको इस कॉलेज के प्लेसमेंट, हॉस्टल, फीस, मेस, कॉलेज कैसा है और उसके प्रोस कौन सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इवन आप जो 11, 12 के बाद MSTCET, JEE मेंस के बाद जा सकते हो और साथ में जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उनके लिए भी ये कॉलेज है, क्योंकि वो इस कॉलेज में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर आप MCET एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे डेली T20 टेस्ट सीरीज चालू है। आपको वहाँ पे जाके इनका वो भी डेली T20 टेस्ट सीरीज चालू है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको कोई कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे। आप चाहिए तो आप वहाँ पे जाके डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका 2 नवंबर से ही चालू हो गया था, अभी भी चालू है। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का वहाँ पे जाके रोज डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हो अनअकैडमी पे, ठीक है। और अगर और भी जो अपकमिंग क्लासेस आने वाले हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप जो आपका अपकमिंग क्लासेस आने वाला है तो आप स्क्रीन पे ऐसे चेक कर सकते हो यहाँ पे कि जो अपकमिंग क्लासेस आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे शो किया है। तो आप जाके अपकमिंग क्लासेस अनअकैडमी पे अटेंड कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग का MCET का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे अपकमिंग क्लासेस, मतलब जो आगे स्पेशल क्लासेस होने वाला है अनअकैडमी पे, तो वहाँ पे जाके आप अटेंड कर सकते हो क्लास, ठीक है। तो जाके प्लीज़ अटेंड करना। और इसका जो लिंक है, जो आपका T20 टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके वहाँ पे क्लिक करो, एनरोल करो टेस्ट पे। आप जाके रोज वहाँ पे टेस्ट दो, ठीक है। अगर आपको अपकमिंग क्लासेस के बारे में जानना है तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और क्लिक करो और अपकमिंग क्लासेस के बारे में चेक करो और उसको चेक करो कभी वो अपकमिंग क्लासेस आने वाला है तो आप एनरोल करो उस पे जाके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। सो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉलेज रैंकिंग एंड अदर डिटेल्स के बारे में। तो कॉलेज रैंकिंग आप देख सकते हो कैसे NIRF रैंक इनका है 201 रैंक पे आया। इस्टेब्लिश है आपका 1983 में, आप इस्टेब्लिश है 1983 में इस्टेब्लिश हुआ है ये कॉलेज। और कनेक्टिविटी की बात करके, इस कॉलेज में आप कनेक्टिविटी मतलब कैसे आप पहुंच सकते हैं, बाय रेलवे, बाय एयरपोर्ट, आप कितना डिस्टेंस पे आए कॉलेज। तो अगर बाय एयर जाएंगे तो बाय एयर आपको 20.5 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे एयरपोर्ट से पड़ेगा। पुणे एयरपोर्ट से आपको 20.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा ये कॉलेज। अगर आप रेलवे से जाएंगे तो रेलवे से आपको 11 किलोमीटर के दूरी पे ये कॉलेज पड़ेगा, और वो रेलवे आपका पुणे रेलवे है, पुणे रेलवे स्टेशन से आपको PICT कॉलेज 11 किलोमीटर पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कनेक्टिविटी और रैंकिंग के बारे में, कॉलेज रैंकिंग के बारे में। अभी हम देखेंगे एडमिशन यहाँ पे कैसे आप ले सकते हो। आप एडमिशन यहाँ पे MSTCET और JEE मेंस के थ्रू, दोनों के थ्रू आप ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका और यहाँ पे एडमिशन आपका जैसे JEE मेंस का है तो वो आपका काउंसलिंग के बेस पे होता है और MSTCET के काउंसलिंग के बेस पे होता है। दोनों का अपना अपना काउंसलिंग रहता है, ठीक है। तो आप दोनों में अगर आपने JEE मेंस और MSTCET दिया है तो जिसमें ज़्यादा अच्छा आया है तो वो आप जाके वहाँ पे दिखा के आप अप्लाई कर सकते हो इस कॉलेज में, ठीक है। तो ये हो गए आपके एडमिशन और एडमिशन के बारे में। फीस की बात करें तो यार फीस आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि 1,08,550 रुपीज़ इनका फीस है। तो फीस कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी ठीक है। अगर हम बात करें कि आपके 4 साल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे आप 4 साल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 4 लाख, तो 5 लाख में आपका इंजीनियरिंग कम्प्लीट हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो ये हो गए पूरे 4 साल का मैंने फीस बताया, ठीक है। तो ये हो गया अदर डिटेल के बारे में। अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट मतलब पैसा है ना, पैसा, पैसा ही पैसा होगा। सो प्लेसमेंट यहाँ पे आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि 7.5 लाख पर एनम, मतलब ये क्या है, आपका एवरेज सैलरी मिलता है यहाँ पे इस, मतलब इस कॉलेज में प्लेसमेंट आपका 7.5 लाख पर एनम, ये आपका एवरेज है। और अगर मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूँ तो मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया तो यार हर जगह पे कुछ अलग अलग ही इन्फॉर्मेशन था। कोई कहीं पे था 40 लैक्स, कहीं पे था 45 लैक्स, कहीं पे था 30 लैक्स।
तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कुछ रिव्यू पढ़े, रिव्यू में भी कुछ ऐसा ही था कि 40-45 lakhs, मतलब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि उसके हाईएस्ट पैकेज नियर बाई ही है, मतलब 35 lakhs, 40-45 lakhs कुछ हाईएस्ट पैकेज है इनका। इसलिए मैंने प्रॉपर यहाँ पे मेंशन नहीं किया अपने पीपीटी में कि हाईएस्ट पैकेज इतना ही है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग है, तो फिर बोल नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्लेसमेंट के बारे में। अगर आप यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियाँ आती है वो भी अगर देख लीजिए, आप स्क्रीन पे शो हो रहा है कि कौन कौन सी कंपनियाँ आती है, वीडियो को स्टॉप करिए और चेक करिए कि कौन कौन सी कंपनी आती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में। अगर हम बात करें आपके हॉस्टल और मेस के बारे में, तो हॉस्टल और मेस आपका अच्छा है, वहाँ पे हॉस्टल अच्छा है, मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं, तो उसमें बच्चे बोले हैं कि हॉस्टल इज़ वेरी गुड। और मेस खाने की बात करें तो खाना ठीक ठाक है, ओके। तो ये हॉस्टल और मेस के बारे में था, अगर आप बाहर से जा रहे हो तो इस कॉलेज में वहाँ पे रह के स्टडी करना है तो हॉस्टल और मेस तो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और बाकी ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो हाँ, कट ऑफ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप MSTCET और JEE मेंस के थ्रू जाओगे तो MSTCET में एटलीस्ट आप 150 मार्क्स तो रखना, ठीक है। अगर आपको CS में एडमिशन चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहिए, तो 150 के ऊपर मार्क्स रखना, और JEE में अच्छा परसेंटाइल लेना चाहिए, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। एंड और मैं अगर डिप्लोमा की बात करूँ, डिप्लोमा स्टूडेंट, तो अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो एटलीस्ट आप 94 के ऊपर परसेंट रखना आपके लास्ट ईयर में, ठीक है, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको CSE और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ECE में एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना है, 94 के ऊपर परसेंट रखना है, तो आपको सेकेंड ईयर में इस कॉलेज में लेटरल एंट्री मिलता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 94% आपको सेकेंड ईयर में रखना है बस। तो ये आपके लिए कट ऑफ समझ लो कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और आपके इस अगर मैं ब्रांच की बात करूँ तो इस कॉलेज में आपका 3 ब्रांच है, एक आपका CSE है, दूसरा IT है और तीसरा आपका ECE है, ठीक है। तो ये 3 ब्रांच है, और जैसे आप नाम से ही जान रहे हो कि ये कॉलेज भाई कंप्यूटर के लिए फेमस है, मतलब CEC कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और प्लेसमेंट यहाँ पे तो बहुत सुना है कि यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बहुत, जैसे मैंने बताया आपको कि एवरेज पैकेज इन लोगों को मिलता है 7 लाख, और 11-12 lakhs आपका ऐसे भी, मतलब 11-12 lakhs जाता है। अगर हाई पैकेज की बात करें तो 35 lakhs 45 lakhs तक हाईएस्ट पैकेज जाता है। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी रिव्यू पढ़ा, तो बच्चे बोल रहे थे कि यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये तो हो गया अपना ये सब रिव्यू। और अगर मैं कॉलेज की प्रोस की बात करूँ तो प्रोस में मैं यही बोलूँगा कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स में आपका यहाँ पे सुना हूँ कि काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉलेज है, और अटेंडेंस के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट माना जाता है इस कॉलेज में, आपका 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए, सो तभी आपको आगे जो भी प्लेसमेंट्स है और एग्ज़ाम वगैरह में बैठने को मिलेगा। तो 75% आपका अटेंडेंस होना ही चाहिए, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इसके मामले में। और बाकी ओवरऑल तो कॉलेज बहुत अच्छा है, और स्पेशली फॉर जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहता है, CSE और IT फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, और इस कॉलेज में प्लेसमेंट CSE IT ब्रांच को बेस्ट प्लेसमेंट मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल रिव्यू ऑफ PICET का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो PICET में जाना चाहता है, उसके साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, अब सब्सक्राइब जरूर करना। आई डोंट नो क्यों सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही आपको MSTCET के कॉलेज के बारे में मैं जो भी और भी कॉलेज आने वाले हैं, बहुत से कॉलेज है, अच्छे अच्छे कॉलेज जो MSTCET के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, उसके बारे में ऐसे ही रिव्यू करता रहूंगा इस चैनल पे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई कॉलेज आपके मन में है तो आप भी कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो उस पर ही ला दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।